कभी सरकारी नौकरी करने का दिल किया, अफसोस हुआ कहीं अफसर बन जाते? हरगिज नहीं। किसी को खलबलाहट नहीं हो रही है उसका, कहां वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो मैं आ चुका हूँ साहित्य आज तक में, जो कि दिल्ली में खुला है 24, 25 और 26 को। इसको वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने खोला है और ये इसमें 300 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप भी आ सकते हैं 25 और 26 को, क्योंकि आज तो ये 24 हो गया है, तो ये वीडियो जब तक आपके पास पहुँचेगी 25 तारीख आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और आपको यहाँ का पूरा टूर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, आप यहाँ पे और भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर आप अगर मीडिया के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप दूसरे भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप जैसे कि देख सकते हैं माहौल मेरे आसपास का, देख सकते हैं कितना ज़्यादा माशाल्लाह शानदार है ना। तो चलिए चलते हैं। लोगों को तस्वीर खिंचवाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा और आनंद मिलता है, ताकि वो उसको स्टोर करके रखें और इन फ्यूचर के लिए एक यादगार समय बना के उसको दूसरों को दिखाएं और या फिर इंस्टा पे डालें। इस सब का लोगों का जो सोच है आजकल की जनरेशन का वो ये है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए अभी एक और फोटो। अभी हम कैमरामैन बने हुए हैं, ये कैमरामैन बन चुका है, इसका काम मुझे लग रहा है इसका सब हमको कैमरामैन बन जाना चाहिए। आज हम कैमरा लेकर आते तो यार ये बंदा सिर्फ और दूसरों की फोटो खींचना है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से भी। चलिए चलिए अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ बहुत। छोटा सा सवाल है सर से, सर इस टाइम पे ओटीटी और सिनेमा बहुत तेजी से बूम कर रहा है सर, थिएटर कहाँ पे है सर, थिएटर कहाँ जा रहा है, क्या फ्यूचर दिख रहा है? थिएटर का भी काफी बूम है, बूम है। सिर्फ इतना है कि आपको थिएटर जाना पड़ता है, आप समझ जाएंगे, चाहे वो पृथ्वी हो, बॉम्बे में काफी, दिल्ली में काफी है। तो हाँ जी भाई साहब जवाब सुनो, जवाब तो ये है, तो एक लाइव माध्यम है वो, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये मोबाइल फोन पे दिख जाए, है ना, तो आपको जाना पड़ता है वहां पे, जितना आप उसको सराहेंगे। मेरा सर है केके मेनन से, जैसा कि सर ने कहा कि आपको पहले ये रेलवे मैन दिख लेते, मैंने आपकी स्पेशल कंडीशंस की पूरी मूवी वेब सीरीज देखी, कहीं ना कहीं आप में वो एक अफसर वाली झलक दिखती है, तो कभी अफसोस होता है नहीं यार कभी सरकारी नौकरी करने का दिल किया, अफसोस हुआ कहीं अफसर बन जाते? हरगिज नहीं। सरकार में बड़े काम किया लेकिन सरकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सत्र है ललन टॉप अड्डे में नेता नकी। किसी को खलबलाहट नहीं हो रही है उसका, कहां हो रही है? किसी को सारे देश अपने अपने काम में धंधे में लगे हुए हैं, अमेरिका ने वहां से ट्रूप्स विड्रॉ कर लिया है, अपनी पीठ थपथपाते हुए बच्चियों को वो स्कूल नहीं जाने दे रहे। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान कहीं मशाले नहीं जल रही पूरे विश्व में, तो इसके लिए जो तालिबान कर रहा है वो सही तो नहीं हो जाता? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई भी हिंदू हो या कोई पाश्चात्य विदेश का हो या कहीं, सब उसकी आलोचना करते हैं और उस तरह का समाज हमको नहीं चाहिए। वो कह रहे कट्टरवाद से बचना है और धर्म एक ऐसा है वो माध्यम है। एक सेकंड, मुझे पता है आप काफी बोलना चाह रहे हैं, बट धर्म एक माध्यम है, यही मानते हैं हम कि मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में वो मेरा एक माध्यम, उसको हम पब्लिक तौर पर इवेंट के तौर पर या उसको ऐसा बताना कि ये खतरे में है वो गलत है, ये राजनीतिक इस्तेमाल जिसका पवन जी जाहिर कर रहे हैं। अजिता जी देखिए, धर्म पर्सनल तब होता है जब धर्म के साथ धर्म यूनिवर्स में नहीं रहता। आप जाके जंगल में धर्म प्रैक्टिस करिए, आपका अगर आप किसी के साथ इनकाउंटर नहीं है, हम अपने घर में करेंगे जंगल, आप घर में ठीक है घर में करिए, धर्म का इनकाउंटर नहीं होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स तब आता है जब आप समाज में धर्म के साथ समाज का इनकाउंटर होता है ना, जब समाज के साथ धर्म का इनकाउंटर होता है, आमने सामने होता है,
तभी उसका एक सामाजिक पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्यों क्यों कहते हैं हम सिर्फ हिंदुइज्म क्यों नहीं कहते क्योंकि उसका समाज के साथ इंटरेक्शन से ही पॉलिटिक्स क्रिएट होता है। और सबसे मजेदार बात एक छोटी सी बात मैं पहले कहना चाहता हूँ, मैंने ना ही 2014 बोला ना ही 2024 बोला इस मंच पे, पर हमारे जो साथी हैं उनमें एक तो पॉलिटिशियन है उनको 2024 को बहुत बार बार 2024 बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इनसे 2024 के बारे में इतना एंग्जाइटी क्यों है, उनको क्या होने वाला है 2024 में जो इतना एक्सेस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी आ जाए पर इस विवाद की और इस बहस की प्रासंगिकता तब भी रहेगी और अब भी है। सिर्फ दोनों लाइन का एक कमेंट।